नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिनांक 23 फरवरी को सदर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला को कुछ महिलाएं द्वारा मारपीट करने एवं पत्नी को बचाने आए पति को भी कुछ युवक ने लात घूंसे से मारा पीटा। पीड़ित की तहरीर पर औरैया पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को व महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, अवैध तरीके एवं किराए पर से रह रहे लोगों को चिन्हित कर आवास खाली कराने की मांग की गई। आज दिनांक 24 फरवरी को समाज सेवी प्रतिभा अवस्थी चेयरमैन प्रतिभा क्रांति फाउंडेशन ने आज काशीराम आवास कक्षावतु कॉलोनी में पहुंचकर पीड़िता से मुलाकात करी। साथ ही प्रतिभा अवस्थी के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी किया। बड़ी बात तो ये है कि प्रतिभा अवस्थी ने बताया कि जो घटना हुई वह इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। बताया जा रहा है कि काशीराम आवास कॉलोनी में कुछ आवंटियों ने अपने आवास किराए पर उठा दिए हैं, तो कुछ आवंटियों ने आवास को बेच दिया है, जिससे बिहारी अराजक तत्वों का आना जाना लगा रहता है। आए दिन झगड़ा फसाद की आम बात हो गई है। प्रतिभा अवस्थी के नेतृत्व में रहने वाले सैकड़ों परिवार जिलाधिकारी को लिखित शिकायत पत्र देंगे। जिला प्रशासन की अनदेखी के कारण कल जो घटना महिला और उसके पति के साथ हुई बेहद निंदनीय है। अगर समय रहते जिला प्रशासन निष्पक्ष तरीके से जांच एवं सत्यापन नहीं कराया तो कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। आज सैकड़ों महिलाओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर जल्द से जल्द काशीराम आवास परिसर में रह रहे अवैध तरीके से लोगों को निकालने की मांग करी है। और जिन आवंटियों ने आवास को किराए पर दिया है उसका आवंटन निरस्त कर कानूनी कार्यवाही की जाए। साथ ही कक्षावधु काशीराम कॉलोनी में स्थायी पुलिस चौकी स्थापित करने की भी मांग की गई है। क्या नाम है आपका? प्रतिभा अवस्थी। आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? मैं प्रतिभा क्रांति फाउंडेशन की चेयरमैन, जो यहाँ कांचीराम कॉलोनी को खतु में जो हादसा हुआ है महिलाओं के साथ, ही बहुत ही निंदनीय है। इसीलिए मैं पुलिस प्रशासन के पास गई थी, तो उन्होंने 151 में जेल भेजने का निश्चित किया। वो ये कह रहे हैं कि इसमें कोई ऐसी धारा नहीं है जो इन्हें जेल भेजा जाए। मेरा इसलिए यहाँ नारेबाजी। क्या मांग है आप लोगों की? हमें हमारे अधिकार दिए जाए और जो अभी तक ये अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हैं उनको गिरफ्तार में लिया जाए और इन्हें इनके साथ बहुत ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके साथ और जो महिला है इसके साथ न्याय होना चाहिए, मेरी ये मांग है। क्या कारण है देखा जा रहा है कंचीराम कॉलोनी में आए दिन अपराध हो रहे हैं? यहाँ सर कम से कम 2000 लोगों की आबादी है, यहाँ बेटियाँ भी हैं और सभी लेबर समाज के लोग रहते हैं। यहाँ चौकी भी नहीं है और यहाँ पर आधे से ज्यादा तो यहाँ जो किराएदार रहते हैं जिन्हें कॉलोनी की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रतिभा क्रांति फाउंडेशन बार बार मांग कर रही है, अवैध कब्जा है, बार बार मांग कर रही है कि जो किराए से लोग रहते हैं इनको खत्म किया जाए, कॉलोनी उनको दिया जाए जो पात्र है, लेकिन इसकी कोई सर्वे नहीं हो रही है। आपके द्वारा कोई लिखित शिकायत की गई है? मैंने सर खुद अपना लेटर पैड दिया है, मैंने कई बार महिलाओं के हर एसपी कॉलोनी में गई हूँ, वहाँ मैंने सर्वे किया, हर कॉलोनी में यही फैला हुआ है। महिलाओं की कोई भी सुरक्षा नहीं होती है, कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, बस ये कह दिया जाता है कि उस समय मैं नहीं था, मेरे सामने नहीं हुआ। जिनका कॉलोनी आवंटन की गई है, क्या वजह है उन्होंने किराया उठा दी है और ये कैसा प्रावधान होता है कि कॉलोनी जिनके आवंटन हो वो किराया उठा सकते हैं? ऐसा सर कोई प्रावधान नहीं है, कॉलोनी उन्हीं की दी जानी चाहिए जिन्हें मतलब जरूरत है, सरकारी कॉलोनी है उन्हीं के लिए है जिनके जरूरत है, जिन्हें जरूरत नहीं है उनसे खाली करा दो। ये जो कल मामला हुआ ये भी किराएदार है? जी आगे आइए। जो किराएदार पर यहां किराएदार किराएदारों का ही बोलबाला है, जो किराएदार ही आतंक उठा रहे हैं जी, जो किराए से रहने आए हुए हैं और उनसे दुगना किराया लिया जाता है, वो यहां धंधे करते हैं, जिन्हें दी जाती है उनका भी धंधा है कि वो किराए से उठा देते, शायद उन्हें जरूरत नहीं है। और जो यहाँ पर किराए से रहने आते हैं जिनके पास निजी की कॉलोनी है उन्हें सताया जाता है। इसको क्या जिला प्रशासन की अनदेखी देखा जाए? अनदेखा अनदेखा हो रहा है, विधायक से लेके और पुलिस प्रशासन और मैं राजीव शुक्ला से भी ये निवेदन कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाले, गरीबों को कोई नहीं सुनता है। बस विभाग में कोई लिखित शिकायत पत्र दिया है? जी दिया है, मैंने दिया है और हमारे साथ महिलाएं भी गई थी, हमारे साथ एसपी कॉलोनी की महिलाएं गई थी और नंदपुर गांव की महिलाएं गई थी और धुना गांव की महिलाएं गई थी और 13 तारीख को हम गए थे और विधायक जी के पास भी गए थे, हम उनके वहां गए थे तो विधायक जी ने ये कहा कि बच्चे पैदा आप करते हो और कॉलोनी हमसे योजनाओं का लाभ हमसे लेने आते हो। विधायक का कहना है? जी विधायक का कहना है, पुलिस प्रशासन डीएम का कहना, मैंने जो दुर्घटना हुई उस समय मैं 10 बजे रात में सीएमओ साहब से मैंने फोन किया, तो डॉक्टर का कहना यह है कि सुबह डॉक्टरी होगी, अभी नहीं होगी। क्या गरीबों के अधिकार की कोई क्या बात नहीं कर सकता है? यहाँ के मैं जो विधायक है, सांसद है, चेयरमैन, मैं उनसे ये जवाब लेना चाहती हूँ। महिलाओं की यहाँ कोई सुरक्षा नहीं, अपनी अपनी सुरक्षा है, इन लोगों को
क्या सुरक्षा है? हमारी ये प्रतिभा क्रांति फाउंडेशन चेयरमैन की ये मांग है कि यहाँ पुलिस चौकी की स्थापना की जाए बहुत जल्द से जल्द, और अगर नहीं की जाती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और बहुत बड़ा ही जो सरकारी संपत्ति हो उसको हानि भी पहुंचाऊंगी, और जो कुछ करना है शासन प्रशासन को चेयरमैन प्रतिभा के खिलाफ वो कर ले। अपनी अपनी सुरक्षा मांगते हैं, श्रम विभाग के अधिकारी वो अपनी सुरक्षा मांगते हैं, लेकिन एक शब्द किसी ने कमेंट ये नहीं किया है कि महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए और ये गुंडागर्दी को खत्म करना चाहिए। और आज मैं जो सड़क के किनारे पर आई हूँ, कल ये सड़क पार हो जाएगी और यहाँ जाम भी लग जाएगा। ये बहुत बड़ी शासन और प्रशासन को ये प्रतिभा क्रांति फाउंडेशन चेयरमैन की चुनौती है, और जो कुछ करना है वो कर ले।